मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डील अबाउट रूट नोड नेमेटोड्स। इसका जेनेटिक नेम है मिलोडोगाइनी, जो ग्रीक वर्ड से आया है, और मेलन का मतलब है एप्पल और गार्ड, ओइड्स का मतलब होता है रिजेम्बलिंग, एंड गाइन्स मीन गाइनी मीन्स फीमेल। सो वर्ड का मतलब हुआ मिलोडोगाइनी मीन्स एप्पल और गार्ड लाइक फीमेल्स, जिसकी फीमेल एप्पल और गार्ड शेप की है, ये मेच्योरिटी पे शेप अक्वायर कर लेती है। इसका कॉमन नेम रूट नोड नेमेटोड है। इसको ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रूट और गोल्स फॉर्म करता है रूट्स के ऊपर। जो बर्कले हैं उन्होंने, अब इसकी हिस्ट्री की बात करते, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। बर्कले ने इसको इंग्लैंड में सबसे पहले रिपोर्ट किया था 1855 में कुकुम्बर्स के ऊपर। उसके बाद ये निमेटोड है जो अलग अलग जगह पे मिला। फिर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बार्कर ने 1901 में निमेटोड को रिकॉर्ड किया, ये टी में पाया गया, एंड द स्टेट वाज केरला, एंड बर्कले रिपोर्टेड इट इन इंग्लैंड ऑन कुकुम्बर। ओके, सो देर इज़ अ डिफरेंस डेट बर्कले वॉज फाउंड इट ऑन कुकुम्बर एंड बार्कर फाउंड इट ऑन टी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सीधी सी बात है, मैच्योर फीमेल है जो, उस पहले उसकी बात करें हम, वो स्वोलन है, आपको देख ही सकते हैं, वो स्वोलन शेप्ड है। ये है मैच्योर फीमेल। ओके, इट इज़ स्वोलन, इसकी जो टिप है वो बाहर निकली हुई है, एंटीरियरली इलोंगेटेड। मेलन शेप्ड है, वो आपको दिखा था, इलोंगेटेड नेक एट एंटीरियर एंड। बॉडी वॉल इसकी सॉफ्ट है बिल्कुल ही, और वाइट कलर की है, ये सिस्ट फॉर्म नहीं करती। ओके, सिस्ट सेल निमेटोड, सिस्ट निमेटोड्स होते हैं, वो सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। उनकी जो सेल के आउटर वॉल होती है, वो हार्ड सिस्ट फॉर्म करते हैं। ओके, इनसाइड विच दे ले एग्स। अच्छा, और कुटिकुलर स्ट्रिएशन शो करते हैं, कंसंट्रेटेड अराउंड पेरिनियल एरिया। इसमें ये जो इनका पेरिनियल एरिया है, इनके चारों तरफ ये सीरेशंस प्रोड्यूस करते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये आपको आगे पता चलेगा। और स्टाइलेट इसका छोटा होता है, और उसके नोब्स है जो वेल डेवलप्ड है। स्टाइलेट आपको देख लो क्लियरली, बहुत छोटा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टाइलेट छोटा है, और इसके नोब्स है दो थोड़े बड़े हैं। ओसोफेगस इसका वेल डेवलप्ड होता है, मीडियन बल्ब लार्ज होता है, इस्थमस छोटा है। इस्थमस कौन सा रीजन होता है आपको पता होगा? इस्थमस इज द रीजन बिटवीन मीडियन बल्ब एंड बेसल बल्ब, वो बहुत ही छोटा होता है। ये मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे, ये मीडियन बल्ब है इसका, ये मीडियन बल्ब है, और ये बीच में जो रीजन है ये इस्थमस है, एंड दिस इज द बेसल बल्ब। ओके, और इस्थमस छोटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइडेल्फिक प्रोडेल्फिक है। डाइडेल्फिक का मतलब इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है, ओवरी जैसे दो होते हैं, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। डाइडेल्फिक का मतलब होता है दो, प्रोडेल्फिक का मतलब होता है आगे एंटीरियरली, और अगर बस डाइडेल्फिक प्रोडेल्फिक। ओके, हाँ, इसके जो गोनोडक्ट्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर एक्वायर कर लेते हैं स्पेस को, और एग्स को ये जिलेटिन मैट्रिक्स में ले करते हैं, जैसे शो किया मैंने। एग्स आर लेड आउटसाइड द बॉडी एंड इन जिलेटिनस मैट्रिक्स। जिलेटिनस मैट्रिक्स इनके ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स ये ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। इन ग्लैंड्स का नाम होता है रेक्टल ग्लैंड्स। ओके, दे आर लेड ऑन द, इट इज सीक्रेटेड ऑन द रूट सरफेस टू ले एग्स। हाँ, इनमें टेल एबसेंट होती है, एनस और वल्वा जो टर्मिनल रीजन में होते हैं, दीज आर एनस और वल्वा डाउन। ओके, एंड मेल्स वर्मी फॉर्म है इनके, ये मेल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, दे आर वर्मी फॉर्म होते हैं। वर्मी फॉर्म मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनकी, ये 1 to 1.5 to 2 meter लॉन्ग होते हैं, और स्टाइलेट एंड ओसोफेगस आर वेल डेवलप्ड इन दिस। स्पिक्यूल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप्ड, दीज आर स्पिक्यूल्स। ग्लोबुलर गुबरनेकुलम इज सिंपल, एंड बर्सा इज एबसेंट। बर्सा मेल का करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, ये इसमें एबसेंट है। और जो सेकंड स्टेज जुविनाइल है, J2 स्टेज, वो इनकी इन्फेक्टिंग स्टेज होती है उनका, ये दिस इज अ J2 स्टेज, एंड इट इज आल्सो वर्मी फॉर्म, 280 to 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एंड स्टाइलेट इज सिलेंडर इन दिश। ओके, एंड देर इज ए ओसोफेगल ग्लैंड ओवरलैपिंग इंटेस्टाइन इन वर्टिकली। सी, ये ओसोफेगस है, ये इंटेस्टाइन है इसकी। जब ओसोफेगस इंटेस्ट ओसोफेगस इंटेस्टाइन पे ओवरलैप करता है,
that is known as ossificial inter overlapping, and it is ventrally. See, this is a ventral portion, so it is ventrally overlapping. Intestine, tail elongate, tail is long, elongated, and conoid with pointed tip, so it is having pointed tip. हम इसकी punctations की बात, इनकी देयर आर पेरिनियल पैटर्न्स की बात करें. सबसे पहले पेरिनियल पैटर्न्स क्या होते हैं, जो इनके डाउनवर्ड बॉडी का पार्ट है उनको पेरिनियल, उन पे पेरिनियल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है. और सबके जैसे इनकोग्निटा है, एक जवैनिका है, एक अरेनारिया है, एक हैप्ला है. ये चार स्पीसीज हैं जो वेरी करते हैं. अब इनमें पेरिनियल पैटर्न्स में डिफरेंस क्या क्या है. इनकोग्निटा में तो मंकी शेप्ड होते हैं, देखो ये मंकी शेप फॉर्मर है ना, यस. तो इसको जो डोर्सल आर्क होते हैं ना, इसकी आर्क फॉर्मर ये बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर तक जा रही है, मंकी शेप बना रहे हैं. और जैवोनिका की क्या खास बात है, इसमें लेटर लाइंस है, देखो इट इज़ क्लियरली विजिबल, दीज आर द लेटर लाइंस. और किसी में ऐसी लेटर लाइंस नहीं मिलेंगी आपको, सो डिस्टिंक्ट लेटर लाइंस प्रेजेंट हेयर. एंड इन केस ऑफ हैप्ला, मेलोडोगाइनी हैप्ला, इसमें क्या होता है कि इसमें पंक्टेशंस प्रेजेंट है, डोटेड लाइक स्ट्रक्चर से पंक्टेशंस. दिस इज नियर टेल पोर्शन, दिस इज द टेल पोर्शन, दैट इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ओके. एंड इन केस ऑफ अरिनारिया में क्या खास बात है, अरिनारिया में ये फोर्क्ड शेप होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रली स्ट्रिएशन है, होते जो फोर्क शेप है, ये जाके यहाँ पे मिल जाए, ये देखो यहाँ से आया, यहाँ पे फोर्क में क्या होता है, जैसे डबल होते हैं ना, ये देखो डिट इज क्लियरली डिविडेड. सी डोर्सल एंड वेंट्रल स्ट्रिय, दीज आर द डोर्सल एंड दीज आर द वेंट्रल स्ट्रियज, दे मीट एट एन एंगल इन लेटरल फील्ड, ओके ओके. तो इसका मतलब क्या है, जो डोर्सल और वेंट्रल स्ट्रिएशन है, स्ट्रिय है, ये फोर्क शेप है, और ये मीट करती है एट लेटरल फील्ड, इन द लेटरल फील्ड, ओके. देखो ये क्लियर यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, इसको शोल्डर शेप भी फॉर्मेशन हो जाती है, शोल्डर ऑन आर्क सी, यहाँ पे आर्क है, यहाँ पे शोल्डर बन रहा है इनका. एंड दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्पीसीज ऑफ मेलोडोगाइनी, ओके, थैंक यू.